एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है गुरुग्राम से, महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ की गई है। गुरुग्राम से बड़ी खबर, महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। भिवानी के रहने वाले युवक पर छेड़खानी का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, दरअसल एक महिला कांस्टेबल से छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी 2 से 3 साल से महिला कांस्टेबल को परेशान कर रहा था। तो गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, महिला कांस्टेबल से छेड़छाड़ के मामले से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर। दरअसल भिवानी के रहने वाले एक युवक पर छेड़खानी का आरोप है। 2 से 3 साल से लगातार ये आरोपी महिला कांस्टेबल को परेशान कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी पिछले 2-3 सालों से महिला कांस्टेबल को परेशान कर रहा था। तो गुरुग्राम से बड़ी खबर आई है। नीरज वशिष्ठ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, एक हैरान कर देने वाली खबर, महिला कांस्टेबल के साथ छेड़खानी हुई। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया, लेकिन सवाल यह कि 2 से 3 सालों तक ये महिला कांस्टेबल को परेशान करता रहा, क्या कुछ और अपडेट, क्या कुछ और जानकारी? बिल्कुल, देखिए कल ये युवक नाम का युवक है, भिवानी का रहने वाला बताया जा रहा है। हालांकि पहले से ही इस महिला कांस्टेबल को प्रताड़ित करता था, ब्लैकमेल करने की कोशिश की इसने कई बार, लेकिन लोक लज्जा के कारण ये महिला कांस्टेबल जो है वो लगातार चुप रही थी, और इसी चुप्पी का फायदा इसने उठाया और कल थाने में पहुंच गया। गुरुग्राम के एक थाने में तैनात है ये महिला कांस्टेबल, और ये थाने में पहुंचने के बाद इसने महिला को बुलाकर जो है उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। हालांकि बीच बचाव के लिए जो बाकी के जवान आए थे वहां पे जरूर उसकी कहा सुनू ही, सरकारी काम में बाधा जैसे डालने, अश्लील छेड़छाड़ के जैसे गंभीर आरोप इस युवक के ऊपर लगे थे। गुरुग्राम पुलिस ने इसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया, और इसके तहत अश्लील छेड़छाड़, सरकारी काम में बाधा या फिर जाति सूचक शब्द जो है SC ST एक्ट के तहत इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि जो युवक है भिवानी का रहने वाला है और किसी सरकारी विभाग में तैनात है, ऐसे में इस युवक के खिलाफ क्या माकूल कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस की तरफ से की गई है, यह देखने वाली बात जरूर है। जी नीरज, क्या पुलिस अधिकारियों से इस बाबत बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, देखिए पुलिस जो अधिकारी हैं, महिला पुलिसकर्मी का मामला है और कहीं ना कहीं गुरुग्राम में ही तैनात थी, और जिस तरह से ये युवक बेखौफ होकर थाने में गया, इसने छेड़छाड़ करनी शुरू की इस महिला कांस्टेबल के साथ, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से बचती हुई गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी जरूर दिखाई दे रही है। जी, लेकिन हैरान करने वाली खबर नीरज इसलिए भी हो जाती है क्योंकि गुरुग्राम साइबर सिटी, और ऐसे में जहां दावे किए जाते हैं बेहतर कानून व्यवस्था के, उधर एक महिला कांस्टेबल से ही छेड़छाड़ की जा रही है। 2 से 3 सालों से इसे परेशान किया जा रहा है और इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती। हालांकि लोकलाज के डर से महिला कांस्टेबल इसकी शिकायत नहीं करती है, लेकिन सवाल ये उठता है जब पुलिसकर्मी ही इस तरह से प्रताड़ित प्रदेश में हो रहे हैं तो आम लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? जी बिल्कुल, जरूर, कहीं ना कहीं जिस तरह से FIR के अंदर जो शिकायत दी गई है, लगातार ये परेशान कर रहा था, किस तरह से ये युवा में जो है वो मैडम को प्रताड़ित कर रहा था, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, अपने हाथ के ऊपर उसका नाम लेकर जो है वो आत्महत्या करने तक की जैसे की एक चीज धमकी दे रहा था। महिला कहीं ना कहीं काफी परेशान थी, और कल जिस तरह से मामला हाई प्रोफाइल होने की स्थिति में था, इस युवक के खिलाफ न केवल मामला दर्ज किया गया बल्कि इसको गिरफ्तार कर जो है कानून के दायरे में लाया गया। जी, क्या और बैकग्राउंड पता चल पाया है आरोपी का नीरज? कुछ ज्यादा खुलासा नहीं किया है, और जिससे अश्लील छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप के तहत मामला दर्ज कर इसे गिरफ्तार किया गया था, इसको लेकर गुरुग्राम के पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले से कमी जरूर काटी। जी, क्योंकि काफी गंभीर हो जाता है। गुरुग्राम में कई इस तरह की खबरें पहले भी नीरज सामने आई हैं कि प्रेम प्रसंग के मसले में हत्याएं भी कर दी गई हैं, गोलियां चल गई हैं, तो काफी गंभीर ये मसला इन तमाम वारदातों को देखकर हो जाता है। बिल्कुल, देखिए बताया यह भी जा रहा है कि कल जब इसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो वहां से इसको जमानत दे दी गई थी, क्योंकि कोविड के चलते ज्यादातर मामलों में इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं कि जो मजिस्ट्रेट हैं वो गंभीर मामलों में भी जमानत दे रही हैं। जी, लेकिन कहीं ना कहीं पहली बार ये इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, कानून के दायरे में इसको लाया गया था, तो अपने आप में गंभीर जरूर है कि साइबर सिटी जैसे इलाकों के अंदर जहां पे हम महिला
अपराध के अंदर ग्राफ को कम करने की बात कर रही है। वही महिला कॉन्स्टेबल के साथ इस तरह की शर्मनाक घटना थाने के अंदर ही घटी है, तो अपने आप में बड़ा सवाल है जी। जैसा आपने बताया नीरज, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने जमानत दे दी है, जब मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश किया गया, क्योंकि कोविड 19 में इस तरह के मामलों में जमानत दी जा रही है, लेकिन क्या किसी तरह की सर्विलांस या किसी तरह की मॉनिटरिंग इस पर बिठाई गई है, ताकि ये जमानत पर रहते हुए किसी तरह की वारदात को अंजाम न दे, किसी तरह बाकी और तरीकों से महिला कांस्टेबल को परेशान न करे? देखिए बिल्कुल, एफआईआर दर्ज की गुड़गांव पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर दर्ज की है और तफ्तीश की बात की जा रही है, पूरे मामले के खुलासे की बात की जा रही है। हालांकि गुड़गांव पुलिस के अधिकारियों ने इसका भी खुलासा नहीं किया है कि कब से परेशान कर रहा था और किन हालात के अंदर ये थाने में कल यहाँ पे पहुंचा था। जी, गुरुग्राम पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर इसको जो है सजा जरूर देने की कोशिश की, लेकिन पूरे मामले की तफ्तीश का दावा गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी जरूर करें। जी नीरज, आपने बताया कि एक 2-3 सालों से परेशान भी कर रहा था और ब्लैकमेल भी महिला कांस्टेबल को कर रहा था, इस बाबत ब्लैकमेलिंग को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए महिला जो महिला कांस्टेबल है उसने एफआईआर के अंदर ये सारी शिकायतें दर्ज कराई हैं। अब ऐसे में तमाम आरोपों की जो तफ्तीश है वो गुरुग्राम के पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। कल महिला कांस्टेबल ने महिला जो मानेसर के अंदर पुलिस स्टेशन है वहां पे इसको लेकर शिकायत दी गई थी, इसके बाद इस युवक को गिरफ्तार किया गया और प्रथम चरण में इसकी शुरुआती जांच है। हालांकि आगे जैसे जैसे जांच बढ़ेगी और गुरुग्राम पुलिस के अधिकारियों से जरूर जवाब तलब करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर इस तरह के मामले, इस तरह की शर्मनाक घटना थानों में घट रही है तो बाकी साइबर सिटी के इलाकों की क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर पर खबर पर नजर आप